बहुत मेहनत की और चीजें क्या है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है सारी चीजें जो हो रही हैं, लेकिन जनता के इस फैसले का हम सभी सम्मान करेंगे, स्वागत भी करेंगे। बहुत से लोग सोचे थे कि पूनम पंडित बैठी होगी कहीं, रो रही होगी, है ना। माफी चाहती हूँ कि थोड़ी सी बिजी थी। जो लोग मुझे टैग कर करके बोल रहे हैं ना कि अरे उनका चुनाव कैसा रहा, वो तो लाइव आके नहीं बता रही है, मेरा चुनाव बहुत अच्छा रहा। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप जैसे लोगों को, कि 17 दिन में आप जैसे लोग एक किराए पे कमरा नहीं ढूंढ सकते, और मैंने 17-18 दिन में वहां अच्छे से चुनाव लड़ा, मुझे खूब सारा प्यार वहां से मिला, खूब ज्यादा। और मैं पहले जीत गई, बाद में मैं इलेक्शन लड़ी थी। ये भी मुक्त भारत चाहती हूँ, और बिल्कुल मेरा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा हमेशा, जनता के लिए, और जी तुम्हारे हमारे किसानन के लिए, हमारी जो बहने हैं उनके लिए, हमारे जो प्रताड़ित लोग हैं उनके लिए, मेरा जो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा, वो बंद होने वाला नहीं है। और ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ये मेरे खुद के विचार है, मुझे महसूस हुआ, मैंने बोल दिया, बाकी जो आगे होगा वो देखा जाएगा। और हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक, जब यहाँ गले पर तलवार हमारे बड़े बुजुर्गों के, देश को आजाद कराने वाले लोगों के यहाँ लटकी हुई थी ना, तब वो लड़ने से नहीं डरे, और आज तो हम लोकतंत्र देश में हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि मतलब लगती है कि हम लोकतंत्र देश में हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो समस्या है, सभी को, हमें भी पता, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, तो कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई, या हमारा लड़ना खत्म हो गया, या हमारी सारी चीजें खत्म हो गई, हम कभी लड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए। और माफी चाहती हूँ, मैं बहुत बिजी थी थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग, टीम को धन्यवाद बोला कि 17-18 दिन के अंदर उन्होंने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ाया, और हमारे जो अपना ग्रुप है उन्होंने, हमारी मीडिया टीम ने बहुत ही ज्यादा अच्छा मेहनत किया, और लोगों ने बहुत मेहनत की, तो उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड मैं कर रही थी, तो इसलिए माफी चाहती हूँ। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी ना कि पूनम पटेल पता नहीं क्या हो गया होगा उसको, रो रही होगी, ये हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, और एक स्पोर्ट्स पर्सन हार और जीत दोनों ही बर्दाश्त कर सकता है, ठीक, और जो हार बर्दाश्त कर ले वो हमेशा कुछ ना कुछ करता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है कामयाबी में, और हमेशा सारी चीजें अच्छी करता है। तो जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है, ये बताइए आप। और ये हार एक चुनावी हार है, और वैसे पूछ के देखो कि हमारी जीत कितनी हुई, जनता ने हमें कितना प्यार दिया, बाकी जो सिस्टम है, जो वीडियो आ रहे हैं, और जो पहले 3-4 दिन पहले से वीडियो आ रहे हैं, वो सब है पता, हमें भी पता, तुम्हें भी पता, ठीक है, सबको पता। बाकी वहां पे और भी कैंडिडेट थे, मैं उनकी वोट देख रही थी, जैसे कि हमारे एक कैंडिडेट वहां खड़े थे मुस्लिम समुदाय से, चलो मान लीजिए उनके वोट उनको नहीं मिल, मतलब हमारे, हमें नहीं मिल रहे उनके वोट, लेकिन उनको तो मिले, उनके भी बिचारों के 19-19 वोट आ रहे थे, और गठबंधन के जो प्रत्याशी है, और इन लोगों के इतने इतने सारे आ रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जनता ने वोट दिया, इनकी जो है फिर से वो बनी सरकार, और देखा चाहिए अब क्या होगा, क्योंकि अब और भी ज्यादा लड़ना तय हो गया, क्योंकि फिर से चीजें ऐसी होंगी, फिर से ऐसा ना हो, मन में डर है कहीं फिर से हाथरस वाली बेटी ना कोई बन जाए, फिर से उन्नाव वाली बेटी कोई ना बन जाए, फिर से बरेली वाली, बुलंदशहर वाली कोई बेटी ना बन जाए, फिर से किसानों का आंदोलन ना हो, किसान शहीद ना हो जाए, फिर से जवान जो हमारे हमेशा से शहीद होते हुए आए उनको सम्मान ना मिले, उनको इंसाफ ना मिले, क्योंकि अब लड़ाई और ज्यादा गहरी और कठिन हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत अहंकार हो गया है। और मैं एक बात बताना और चाहूंगी, जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुआ, काउंटिंग कंप्लीट हुई, और ये लोग एक उसको घुमा रहे हैं, बुलडोजर को, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, और समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, है ना। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या हमारे उत्तर प्रदेश जो है उनकी सरकार से, कि जो आपने सरकार बनाई है, ये मतलब ये आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, या ये बता रहे हो कि हम जीत गए, हम ये हम वो कर क्या रहे हो, तो कोई जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों का ऐसी आशीर्वाद बना रहा तो मेरे चेहरे पे आप कभी उदासी नहीं देखोगे, आप लोगों का प्यार बना रहा तो मेरे चेहरे पे आप कभी उदासी देख ही नहीं सकते, ये मेरा आपसे वादा है। और मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, पंडित पूनम 609।